नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों हम यहाँ पर वायर क्रेट का एस्टीमेट बनाने वाले हैं। इसमें दोस्तों हम गैबन्स वॉल में लगने वाली जो ये जाली आपको दिख रही है इसकी क्वांटिटी कैलकुलेशन करने वाले हैं और केजी में वेट निकाल कर इसका रेट एनालिसिस भी दोस्तों हम यहाँ पर करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने यहाँ पर गैबन्स वॉल पर वीडियो बनाई थी उसमें दोस्तों हमने गैबन्स वॉल कहाँ पर बनाई जाती है, किस कंडीशन में बनाई जाती है और इसके अंदर भरे जाने वाले जो बोल्डर हैं इनका साइज क्या होता है ये दोस्तों उस वीडियो में हमने बताया था। इस वीडियो में दोस्तों हम यहाँ पर जाली का कैलकुलेशन करने वाले हैं, जाली की क्वांटिटी निकालने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़ी हुई जानकारी के लिए हमारे चैनल आरके कंस्ट्रक्शन को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वायर ग्रेड का एस्टीमेट कैसे बनाते हैं, केजी में दोस्तों इसका हम यहाँ पर क्वांटिटी निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने जो है एक वायर ग्रेड यहाँ पर बनाई हुई है। वायर ग्रेड की जो हमने लेंथ रखी हुई है वो 3 मीटर हमने रखी हुई है और इसकी हाइट हमने 1.2 मीटर यहाँ पर रखी हुई है और इसका जो विड्थ है वो 1.5 हमने यहाँ पर रखी हुई है। इसमें हमने ये फाइंड करना है कि जो यहाँ पर आपको जाली दिख रही है जो हमने इस तरह से यहाँ पर बनाई हुई है, जो आपको जाली दिख रही है ये कितना केजी जाली यहाँ पर लगेगा, क्योंकि इसके अंदर आपका क्या होता है बोल्डर भरा जाता है और 20 सेंटीमीटर तक का बोल्डर आपको इसके अंदर भरना होता है। इसमें जो वायर यूज होती है वो गैल्वनाइज्ड आयरन से बनी होती है, इसलिए दोस्तों इन दीवारों को हम गैबियंस वॉल कहते हैं और इस वायर की जो मोटाई होती है जो डायमीटर होता है वो 4 mm होता है। तो अभी हमको दोस्तों क्या करना है, कैलकुलेशन यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन दोस्तों हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें इस डायग्राम को कुछ पार्ट में डिवाइड करना होगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप ऊपर वाले जो यहाँ पर पार्ट है इसको टॉप से समझिए और इसके नीचे जो यहाँ पर जाली लगेगी उसको हम क्या करेंगे बॉटम समझेंगे, ठीक है बॉटम। और ये जो ये वाली आपको साइड दिख रही है ये वाली साइड आपकी है लॉन्ग साइड, ठीक है लॉन्ग साइड। और इधर वाली जो साइड है इसको हम करेंगे शॉर्ट साइड, ठीक है। आपका दोस्तों ये टॉप हो गया, इसके नीचे जो सीधे लगेगी वो आपका बॉटम होगा। इधर वाली साइड को आपको देख रहे होंगे यहाँ पर शॉर्ट साइड इसको हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं और ये वाली साइड को हम लॉन्ग साइड यहाँ पर नाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको टॉप और बॉटम का जाली यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो जाली यहाँ पर कितनी लगेगी, 2 जालियाँ लगेगी, एक टॉप में लगेगी और एक बॉटम में लगेगी। तो आपको क्या करना है 2 यहाँ पर सबसे पहले लिख देना है, इंटू करना है आपको इसकी लेंथ से, आपको इंटू करना है लेंथ कितनी है 3 मीटर है और इसके साथ आएगा आपका विड्थ, ठीक है। जो आपके यहाँ पर विड्थ होगी, विड्थ इसकी है 1.5 मीटर, यहाँ पर आपको विड्थ 1.5 मीटर आपको दिख रही होगी। हाइट दोस्तों 1.2 मीटर है और लेंथ इसकी 3 मीटर है। तो ये आपका स्टेप फर्स्ट हो गया, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपका 2 × 3 × 1.5 ये आपका टॉप का हो गया, ठीक है। टॉप का दोस्तों आपके यहाँ पर बाहर निकल कर आ गया है मीटर स्क्वायर में, ठीक है मीटर स्क्वायर में निकल रहा है। आप इसको मीटर क्यूब में मत समझना, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है 2 × इसलिए किया है क्योंकि आपकी 2 जाली यहाँ पर लगेगी, एक टॉप में एक बॉटम में। इसके बाद आप क्या करते हैं लॉन्ग साइड का निकालते हैं, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करना है आपको लॉन्ग साइड का निकालना है, लॉन्ग साइड का निकालना है। तो लॉन्ग साइड के लिए आपको कौन सा यहाँ पर लेनी होगी, कौन सी डायमेंशन आपको लेनी होगी, एक तो आपकी लेंथ लगेगी, इंटू में दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर हाइट आएगा, ठीक है ये आएगा और इसका हाइट आएगा। इसी तरह से दोस्तों इस तरफ का लेंथ आएगा और हाइट आएगा। तो हाइट इसकी है 1.2 मीटर, ठीक है। और हमारी जो है 2 साइड यहाँ पर लगने वाली है तो 2 से इनको इंटू करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 1.2 × 2, तो यहाँ पर आपको निकल कर आएगा 7.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है ये आपका लॉन्ग साइड का आ जाएगा। अभी दोस्तों शॉर्ट साइड का हमारे यहाँ पर बस गया है, तो स्टेप 3 में हमको क्या करना है शॉर्ट साइड का करना है कैलकुलेट, ठीक है। शॉर्ट साइड इसके क्या है, एक तो ये आ जाएगी 1.5 विड्थ, ठीक है, और एक हाइट आ जाएगी 1.5 × हाइट और इंटू 2, क्योंकि एक ये वाली साइड और ये वाली साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1.5 × 1.2 × 2, 3.6 मीटर स्क्वायर दोस्तों ये वाली साइड के लिए आपकी जो है जाली यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, टोटल मीटर स्क्वायर को आपको प्लस कर देना है, तब आपका क्या निकलेगा एक पूरी गैबन वॉल में लगने वाली जाली का आपका क्या हो जाएगा क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी मीटर स्क्वायर में, ठीक है दोस्तों। तो 3.6 हमने यहाँ पर किया हुआ है, प्लस 9 करते हैं, प्लस 7.2 यहाँ पर हम कर लेते हैं, तो आपका 19.8 मीटर स्क्वायर जो है पूरा गैबन्स वॉल में यहाँ पर लगने वाली है जाली, ठीक है।
अब दोस्तों एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी इस वीडियो में ये है कि आपको यहाँ पर इसको केजी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको एक थंबनेल यहाँ पर दिमाग में रखना होगा कि अगर आप मीटर स्क्वायर को 2.23 से इंटू कर देंगे तो आपका दोस्तों केजी में यहाँ पर वेट निकल कर आ जाएगा इस कैबियन वॉल का। ठीक है दोस्तों, तो आपको 2.23 आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ये आपका फैक्टर यहाँ पर है। थंब रूल के बेस पर आप इसको मान सकते हैं। तो इससे क्या करना है आपको, 19.8 मीटर स्क्वायर को 2.23 से इंटू कर देना है। तो इसको हम इंटू कर लेते हैं 2.23, तो आपका निकल कर आ गया है 44 kg। ठीक है, तो 44 kg हम यहाँ पर इसको ले रहे हैं, 44 kg आपकी यहाँ पर जाली का वेट आ गया है केजी में। अब दोस्तों आपको अपने मार्केट में पता करना है जहाँ पर ये जालियाँ बनती है कितने रुपए केजी के हिसाब से दोस्तों आपको वहाँ पर वायर क्रेट अगर आपको मिल रही है तो आपको क्या करना है, 44 × 110 अगर आप कर लेते हैं, आप अगर कर लेते हैं तो 4,856 रुपए का दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, जाली यहाँ पर पड़ जाएगी। तो 4,856 रुपए की जाली दोस्तों एक दीवार में आपकी लग जाएगी। तो इस तरह से अगर आपकी 6 दीवारें बननी है तो उनका दोस्तों आपको 6 से इंटू कर लेना है और सिंपली अपना दोस्तों यहाँ पर जो है केजी में वेट निकाल कर रेट अपना कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। दोस्तों इस कैलकुलेशन में अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट हमें कर दीजिए, आपका डाउट हम जरूर क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।